जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। थाने के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे BJP के पूर्व मंत्री, बोले साहब मेरी FIR दर्ज कर लो। बुद्ध की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट, PM मोदी। BJP में शामिल हुआ बेटा, इस कद्दावर नेता ने नैतिक आधार पर छोड़ दी अपनी पार्टी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। थाने के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे BJP के पूर्व मंत्री, बोले साहब मेरी FIR दर्ज कर लो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूनत का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पूर्व मंत्री हाथ जोड़कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार मिन्नतें कर रहे हैं कि साहब मेरी FIR दर्ज कर लो, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, सट्टा लिख रहे हैं, उसे बंद कर दो साहब और मेरी चोरी की रिपोर्ट लिख दो। आखिर पूर्व मंत्री और रमन सिंह के कार्यालय में बड़ा BJP के ताकतवर नेता इस कदर होने क्यों लगे, इसको लेकर सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। दरअसल ये वीडियो 17 अप्रैल का है, जब BJP के तमाम दिग्गज नेताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने का घेराव किया था। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूनत भी सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ थाने पहुंचे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जी हाँ, और रोते हुए पुलिसकर्मियों को मिन्नतें करने लगे। रमन सिंह के कार्यालय में BJP के ताकतवर नेता पूर्व मंत्री राजेश मूनत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस थाने के बाहर हाथ जोड़कर रो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बहुत मारा है, मेरी FIR दर्ज कर लो। जी हाँ, सिविल लाइन थाने का किया था घेराव। राजेश मूनत का रोते वीडियो कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक तंज है। जी हाँ, उन्होंने नाटकीय ढंग से कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सरकार में लोग थानों में रिपोर्ट लिखाने आते हैं लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। वहीं 17 अप्रैल को BJP नेताओं ने सिविल लाइन थाने में कांग्रेस भवन का पोस्टर चिपकाया था, इसको लेकर जमकर बवाल हुआ। BJP ने कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगाया था। इसे हेट स्पीच के दायरे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई करने की मांग की है। बिरनपुर मामले से शुरू हुआ है विवाद। गौरतलब है कि इस विवाद की जड़ बिरनपुर से जुड़ी है। 8 अप्रैल को हुई दो समुदायों की झड़प पर BJP ने 10 अप्रैल को बंद का समर्थन किया था। यही नहीं, पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान बिरनपुर मामले में BJP नेताओं ने कई बयान दिए थे। इसको हेट स्पीच के दायरे में लेकर पुलिस ने BJP नेताओं को नोटिस भेजा है। इस पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत चल रही है। वही कांग्रेस नेता इस कार्रवाई को सही बताया है। बुद्धि की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में बोले PM मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में कहा, अगर दुनिया बुद्ध की शिक्षा पर चलता तो आज क्लाइमेट चेंज जैसा संकट नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि कुछ देशों ने पिछली शताब्दी में आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। राष्ट्र अपने हितों के साथ साथ वैश्विक हितों को भी प्राथमिकता दे, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में कहा, समय की मांग है कि लोग और राष्ट्र अपने हितों के साथ वैश्विक हितों को भी प्राथमिकता दे। PM मोदी ने अपनी सरकार के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा, बुद्धि के विचारों का प्रसार करने का निरंतर प्रयास किया है। हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वयं से निकलकर संसार के रास्ते पर चलना होगा, मोदी। PM मोदी ने कहा, हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वयं से निकलकर सांस्कृतिक सोच को लगातार समग्र का ये युद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। जी हाँ, दुनिया में अलग अलग देशों में शांति मिशन हो या फिर तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा समर्थन लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मन भाव से खड़ा होता है। जी हाँ, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप में आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध विचरण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध के चेतना निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध
अविस्मरणीय है, इस धरती की परंपरा है, अति देव भव अर्थात अति हमारे लिए देखने के सम्मान होता है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। बीजेपी में शामिल हुआ बेटा, इस कद्दावर नेता ने नैतिक आधार पर छोड़ दी अपनी पार्टी। जिया शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने बुधवार को पार्टी की प्रायणिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले उनके बेटे इंदर इकबाल अटवाल बीजेपी का दामन थाम लिया था। जी हां, बीजेपी ने हाल ही में अकाली दल से नाता तोड़ने वाले इंदर इकबाल सिंह अटवाल को पंजाब की जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। चरणजीत सिंह अटवाल वर्ष 2004 से 2009 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे और वो एक समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के करीबी माने जाते थे। जी हां, मैंने अकाली दल को चिट्ठी लिखी है। 86 वर्षीय रणजीत सिंह अटवाल ने कहा है कि बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर अकाली दल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अकाली दल को चिट्ठी लिखी है कि मैंने आज प्राथमिक सदस्यता और अन्य जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे बेटे इंदर इकबाल सिंह और जगजीत सिंह और मेरे भारतीय सुखविंदर सिंह अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नैतिक रूप से अकाली दल को छोड़ना जरूरी था, चरणजीत सिंह अटवाल ने कहा। दूसरी बात यह है कि मेरा बड़ा बेटा इंदर इकबाल सिंह जालंधर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। नैतिक रूप से मुझे लगता है कि अकाली दल को छोड़ना जरूरी था। बता दें कि जालंधर लोकसभा सीट के लिए मतदान 10 मई को होगा जबकि मतगणना 13 मई को होगी। जनवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के कारण एक सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।